सर पिक्चर अब तक छूटी नहीं है सर, अब तक पिक्चर छूटी नहीं है। आपने देखी ना, कैसी लगी? अच्छी थी सर। न्यू स्टोरी थी। पसंद है आपको इसका? यस मैम। और किरदार में कैसे लगे आपको? किरदार कैसे लगे? अच्छे हैं। राजकुमार राव हैं। यस। एक्टिंग अच्छी थी। यस सर। गाने सुना नहीं मैं, गाने नहीं सुना मैं। कितने स्टार देंगे? 3। कैसी लगी आपको? बधाई दो। दैट्स एक्सेप्ट इतना। नो सॉरी प्लीज, मैं तेरे को इंटरव्यू नहीं देती। भाई बस आप बता रहे हो। क्या बताना? अच्छी थी सर। उसके सामने इतना अच्छा नहीं बताया, बट उसकी बॉडी वाओ। चलो ना, नहीं इतना भी पैसा वसूल मूवी नहीं थी। 4। कैसी लगी भाई आपको? बधाई दो। बहुत अच्छी लगी मूवी, उसका स्टोरी भी अच्छा था, जो भी स्टोरी थी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, हमें अच्छी ही लगी। जो हमारे साथ आए थे हमारे दोस्त लोग, उनको भी अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम संडे को हमारा फिर से प्लान है आने का। अच्छा। दोबारा देखने की इच्छा है। अच्छा। राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, उसका एक्टिंग तो मुझे पहले से पसंद है। वो तो पहले से अच्छा है, सॉलिड है, अच्छी है उसकी एक्टिंग, सारी एक्टिंग उसकी अच्छी लगती है। नाइस पिक्चर। भूमि पेडनेकर जी? भूमि पेडनेकर भी है? हाँ वो भी, वो तो हालांकि पहले से वो 2-3 पिक्चर में आ चुकी हैं, इसके लिए वेरी बेटर। डिड यू थिंक आपके लिए कि ये फुल पैसा वसूल मूवी है या आपके लिए? 50-50 बोल सकते हैं, लोग कैसे, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई गाना पसंद आया? गाने का उतना नहीं, बट मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई। अच्छा। कितने स्टार देंगे? 5 स्टार। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी जी। राजकुमार राव हैं। हाँ। तो उनकी एक्टिंग के बारे में बताइए। उनका अच्छा लगा, ठीक है, रोल अच्छा लगा उनका। भूमि हैं, भूमि पेडनेकर हैं जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका भी अच्छा लगा, उनकी फिल्म भी अच्छी लगी, उनकी एक्टिंग अच्छी लगी जी। और कोई गाना पसंद आया? नहीं गाना पसंद नहीं आया, लेकिन स्टोरी उनका पसंद है। फिर आएंगे अगेन, पैसा वसूल मानते हैं। आना ही चाहिए ना भाई। अच्छा। कितने स्टार देंगे? 5 में 3 दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। कैसी लगी? बधाई दो आपको। बहुत बहुत बढ़िया मूवी थी, बट फर्स्ट पार्ट से मुझे बेटर लगी है ये, एंड सेकेंड हाफ में इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा था, एंड राजकुमार राव पूरे पिक्चर उसी की है, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत बढ़िया एक्टिंग थी उसकी, गे का एक किरदार उन्होंने निभाया है एंड बहुत अच्छी तरह से निभाया है। भूमि पेडनेकर भी अच्छी थी, उसको ऐसा एक लेस्बियन दिखाया है, एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, एंड भूमि पेडनेकर को अच्छी तरह से दिखाया है। सो डायरेक्शन के बारे में अगर, कितना बांध के रखता है डायरेक्शन, कितना पसंद आया? फर्स्ट मूवी से ज़्यादा बांध के रखा था, फर्स्ट हाफ में थोड़ा फन टाइप्स दिखाया है, बट सेकेंड हाफ में मैं रोया भी हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, एंड फर्स्ट हाफ अगर फर्स्ट बधाई हो से कंपेयर कर तो ज़्यादा बांधा था ये मूवी ने। कोई गाना पसंद आया? गाने का नाम याद नहीं है, बट वो लोग जो शादी में गाने पे नाचते हैं वो गाना एक अच्छा था, और एक प्राइड मंथ का गाना है, एक रंग है शायद जो एंड में बजता है, वो भी बहुत बढ़िया है। डिड यू थिंक आपके लिए कि फुल पैसा वसूल मूवी है अगेन? जी जी बिल्कुल, पूरी पैसा वसूल मूवी तो जरूर आऊँगा वापस। 4 स्टार्स। कैसे लगी भाई ये बधाई दो? बधाई दो एक डिफरेंट मूवी लगी मेरे को, ना अलग स्टोरी, अलग लाइनअप, बहुत मज़ेदार मूवी लगी मेरे को। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की जो केमिस्ट्री है सुपर्ब है। लेस्बियन एक तरफ गे की स्टोरी डाला गया, मतलब कि समाज में जैसे लेस्बियन को अलग नज़र से देखते हैं, गे को अलग नज़र से देखते हैं, इस मूवी के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश किया गया कि लेस्बियन को आप इंसानी समझो, ना कि उनसे दूर भागो, या जो गे है उनसे आप दूर मत भागो, सब इंसान है, सबसे मोहब्बत करो। राजकुमार राव एंड भूमि पेडनेकर की एक्टिंग के बारे में कुछ कहेंगे आप? कैसी लगी? दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। राजकुमार राव ने जो अपने रोल को प्ले किया बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया, या राजकुमार राव बेहतरीन एक्टर है, उनकी सारी फिल्में आप उठा के देख लो, उनका जो परफॉर्मेंस होता है सुपर होता है, आंखें बंद करके उनकी फिल्मों को देख सकते हो आप। फुल पैसा वसूल है, बस एक चीज़ कमी है यहाँ पे कि 2 घंटा 33 मिनट की मूवी थी, इसको लेंथ को थोड़ा कम करते वो और भी मज़ा आता है। बड़ी ये मूवी मैं दोबारा जरूर देखेंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, बस लेंथ के ऊपर थोड़ा काम करते हैं वो, कम बनाते हैं। राजकुमार
गाना पसंद आया? सॉन्ग एक अच्छे शुरू वाला बधाई दो, जो टाइटल ट्रैक है वो अच्छा है, बाकी का कोई खास नहीं है। सॉन्ग कितने स्टार देंगे? 5 में से 3 स्टार दूंगा मूवी। लास्ट ईयर कैसी लगी आपको फिल्म बधाई दो? मूवी बहुत अच्छी लगी एंड इट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग अप, मतलब ये टॉपिक अच्छा है कि लोगों के सामने आए ताकि लोग समझ पाए। राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में? राजकुमार राव की एक्टिंग बहुत अच्छी है, ही इज़ डन हिज बेस्ट टू शो द कैरेक्टर, मतलब उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो ऐसा ही होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट, तो हाँ उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। भूमि इज ऑल्सो बिन वेरी, मतलब शी इज़ बिन परफेक्ट फॉर द रोल, इट शी शोन अ स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ हर एंड होपफुली पीपल उनसे इंस्पायर हो के, क्योंकि आप यूथ हैं एंड LGBT के ऊपर ये है फिल्म, आपको कितना ये इट डज टच यू, मतलब इट इज़ नाइस टू सी के ऐसा कोई फिल्म बना है एंड लोग देखेंगे तो आई होप लोग भी समझे, यूथ समझेगा बट अदर क्राउड वी डोंट नो। डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी आपके लिए? हाँ इट इज़ अ पैसा वसूल। अगेन आएंगे आप देखने के लिए? हाँ मैं देख सकती हूँ वापस ये मूवी। गाना पसंद आया? हाँ जो रैली वाला गाना था वो, मेरे को नाम नहीं पता, मैंने अभी मूवी देखी। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन कितना बांध के रखता है आपको कि नेक्स्ट क्या होगा एंड लास्ट 2 घंटे 30 मिनट की मूवी है, लास्ट तक कितना डायरेक्शन बांध के रखता है? लास्ट तक बांध के रखा है बिकॉज राजकुमार राव का जो ओपन आउट हुआ है वो एंड में ही हुआ है, एंटिल द स्टार्ट उसका जो कैरेक्टर दिखाया था ऐसा लगा नहीं था कि वो करेगा, तो हाँ सस्पेंस बांध के रखा है एंड तक कि वो बाहर सच बोलेगा या नहीं। आउट ऑफ 5 कितना? 5 4.5।